जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने राज्य सरकार को पत्र लिख जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति को वित्त आयोग का पैसा उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। उन्होंने इसके लिए जमशेदपुर क्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन कर समस्या का निदान निकालने को कहा है। उन्होंने कहा है कि जमशेदपुर जैसे बड़े नगर में नगर पालिका का दायित्व निर्वाह करने के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधन जमशेदपुर अच्छेस के पास नहीं है। वैधानिक नगर पालिका नहीं होने के कारण 14वें वित्त आयोग से नगर पालिकाओं के लिए स्वीकृत वित्तीय सहायता से यह वंचित है। इस मद में से प्रतिवर्ष जमशेदपुर अच्छेस को 50 से 100 करोड़ वित्तीय सहायता प्राप्त होती। इसका शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो कठिनाइयों का प्रतिकूल प्रभाव यहाँ के लोगों के लिए कष्टकारी हो सकता है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सहायता नहीं मिलने पर राज्य सरकार अनुदान उपलब्ध कराए। टाटा स्टील लिमिटेड अभी भी जन सुविधाओं के नाम पर 12 करोड़ से अधिक म्युनिसिपल फीस उगाही कर रहा है। टाटा लीज नवीकरण समझौता 2005 की शर्तों के अनुसार टाटा स्टील द्वारा वसूल की जा रही है। यह आमदनी अच्छेस के खाते में आए तो इसकी वित्तीय सेहत अविलंब सुधर जाएगी। यही स्थिति टाटा लीज क्षेत्र में भूमि या भूमि पर बने भूखंडों के नाम हस्तांतरण पर टाटा स्टील द्वारा वसूली की जाने वाली 5% की राशि के बारे में भी है। अधिसूचित क्षेत्र समिति के पास मात्र डोर टू डोर कचरा एकत्रीकरण, पार्किंग, बिल्डिंग फी, निविदा प्रकाशन आदि स्रोतों से होने वाली नगण्य आमदनी ही है जो इसके सामान्य खर्च की तुलना में ऊंट के मुंह में जीरा जैसा है।